मार्वल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अपने साथ साथ छोड़ जाती है कई सवाल, लेकिन बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए आज हम करेंगे सिर्फ फिल्म के एंड क्रेडिट सीन पर बात। फिल्म के एंड सीन में निक फ्यूरी प्लेड बाय द लेजेंडरी सैमुअल एल जैक्सन भेजते हैं एक मैसेज, लेकिन ये मैसेज किसे जाता है ये नहीं होता है रिवील, बस एक लोगो हमें आता है नजर। वेल, ये लोगो है मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर कैप्टन मार्वल का, जो अवेंजर्स 4 में प्ले करेगी एक इम्पोर्टेंट पार्ट। यस, शी इज अ गर्ल। तो आइए, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन कैप्टन मार्वल। 7 कैप्टन मार्वल्स। मार्वल कॉमिक्स में अब तक 7 कैप्टन मार्वल आ चुके हैं, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें सीधा 7th कैप्टन देखने को मिलेगी। हर नेम इज कैरल डैनवर्स, फर्स्ट फीमेल सुपरहीरो। कैप्टन मार्वल एमसीयू की फर्स्ट फीमेल लीड सुपरहीरो फिल्म है, जिसमें कैप्टन मार्वल का रोल निभा रही हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड की लीडिंग लेडी ब्री लार्सन। रिलीज डेट, कैप्टन मार्वल एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म में से एक होगी, और ये ठीक अवेंजर्स 4 से पहले होगी 8 मार्च 2019 पर रिलीज, और हमें ले जाएगी कैरल डैनवर्स की दुनिया में। प्रीक्वल, 2019 में रिलीज होने के बावजूद ये फिल्म होगी आयरन मैन का प्रीक्वल, और कैप्टन मार्वल की ओरिजिन स्टोरी की शुरुआत होगी 90 के दशक में। सेट से लीक हुई तस्वीरें करती हैं इस बात को कंफर्म, जिसमें आप देख सकते हैं निक फ्यूरी का यंग अवतार। अ न्यू ओरिजिन स्टोरी, कैप्टन मार्वल की फिल्म में हमें देखने को मिलेगी एक नई ओरिजिन स्टोरी, और वो इसलिए क्योंकि कैरल डैनवर्स कॉमिक्स में है एक बेहतरीन फाइटर पायलट, जिसे एक एलियन की वजह से मिलती है अपनी पावर्स। वेल, अगर आपको ये कहानी सुनी सुनी लगती है तो वो इसलिए क्योंकि डीसी कैरेक्टर हेल जॉर्डन के ग्रीन लैंटर्न की यही है एग्जैक्ट ओरिजिन स्टोरी, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिल्म में कैप्टन मार्वल की होगी एक नई ओरिजिन स्टोरी। पावर्स, कैप्टन मार्वल मार्वल कॉमिक्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। उनकी पावर्स में शामिल है उड़ने की शक्ति, शी कैन ऑल्सो शूट एनर्जी ब्लास्ट फ्रॉम हर हैंड्स, मगर सबसे जरूरी कैप्टन मार्वल के पास है एक कॉस्मिक अवेयरनेस, जो बेसिकली स्पाइडरमैन के सिक्स सेंस की तरह ही करती है काम, बस थोड़े और एडवांस लेवल पर। इट्स अ डीसी टाइटल। वेल, हियर इज अ फन फैक्ट, कैप्टन मार्वल एक्चुअली हुआ करता था डीसी के एक सुपर हीरो का नाम, जिसे आज जाना जाता है शज़ाम के नाम से। कॉमिक बुक्स की गोल्डन एज 1940s में कैप्टन मार्वल सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक थी, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका से भी ज्यादा, बट डीसी ने लगवा दिया कैप्टन मार्वल कॉमिक्स के पब्लिकेशन पर ब्रेक, क्लेमिंग कि वो है सुपरमैन की कॉपी। कैप्टन मार्वल के राइट्स उसकी होम कंपनी फेसेट पब्लिकेशन से लेने के करीब 10 साल बाद कॉमिक बुक्स की सिल्वर एज 1960s में डीसी ने दोबारा शुरू किया पब्लिकेशन, बट तब तक हो चुकी थी बहुत देर, और मार्वल इंट्रोड्यूस कर चुका था फर्स्ट कैप्टन मार्वल मार्वल, जिसके बाद डीसी को यूज करना पड़ा शज़ाम का नाम। वेल, तो ये थे कुछ फन फैक्ट्स मार्वल के सबसे नए कैरेक्टर कैप्टन मार्वल के। आपको ये लिस्ट कैसी लगी? डिड वी मिस समथिंग? या फिर आपके पास भी है शेयर करने के लिए कोई मजेदार फैक्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए कीजिए हमारे चैनल ओम्फ आर्टवर्क्स को सब्सक्राइब, और हमें ये भी बताएं कि किस सुपर हीरो के बारे में आप इसके बाद जानना चाहेंगे।